बीजेपी शासित राज्य में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अगर कोई सीएम देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वो असम सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ही है। उसको नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स का चाणक्य भी कहा जाता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राजनीति का कीचड़ साफ करने आए थे, लेकिन राजनीति में उतरते ही खुद कीचड़ फैलाना शुरू कर दिया। सस्ती लोकप्रियता के लिए उन्होंने झूठे और आधारहीन आरोप लगाने में मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघ दिया। बिना किसी ठोस सबूत के दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना और फिर माफी मांगना उनकी आदत बन चुकी है। कोर्ट से कई बार झटका खाने के बाद अब वो विधानसभा के कवच में छिपकर दूसरों पर हमले कर रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा को निशाना बनाते हुए कहा था, सरमा के खिलाफ कई राज्यों में भ्रष्टाचार के मामले दर्ज है। केजरीवाल के इस आरोप से भड़के हेमंत बिस्वा सरमा ने केजरीवाल को खुलेआम ललकारा है। उन्होंने चुनौती दी है कि केजरीवाल विधानसभा के बाहर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर दिखाए। दरअसल दिल्ली के सीएम केजरीवाल रविवार 2 अप्रैल 2023 को पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ असम का दौरा करेंगे। दोनों मुख्यमंत्री गुवाहाटी के भरलूमुख स्थित सोनाराम उच्च विद्यालय में एक रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली से पहले ही असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने केजरीवाल को चेतावनी दे दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि क्या मेरे खिलाफ देश के किसी हिस्से में मामले दर्ज है? मैं मानहानि का मामला दर्ज कराना चाहता हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल कायर की तरह विधानसभा में बोल रहे हैं, इसलिए उन्हें 2 अप्रैल को असम आने दीजिए और यह कहने दीजिए कि हेमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज है। मैं उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दूंगा, जैसा मैंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ किया है। हेमंत बिस्वा सरमा ने केजरीवाल से सवाल किया है कि वह बताएं कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कौन सा मामला कहां दर्ज है। केजरीवाल को नसीहत देते हुए असम के सीएम ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा में बैठकर इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। सबको पता है कि अपना बचाव करने के लिए वहां मैं मौजूद नहीं हूं। मैं अपना पक्ष नहीं रख सकता। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं। पूरे देश में मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, सिर्फ कुछ कांग्रेसियों ने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे करा दिए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा था कि ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों ने नारायण राणे, हेमंत बिस्वा सरमा और शुभेंदु अधिकारी जैसे भ्रष्टाचारियों को एक साथ ला दिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने और कार्यवाही से बचने के लिए ये लोग बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा था, सरमा के खिलाफ अन्य राज्यों में भी मामले दर्ज है। इसी तरह हताश अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी पर भी भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया, वो काफी हास्यास्पद था। इससे पहले हेमंत बिस्वा सरमा दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और फिलहाल जेल में बंद मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा चुके हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।